हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मॉस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग थिन सिलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान यूनिट है। इसलिए पहले इस यूनिट को हम लोग कवर कर लेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में न्यूमरिकल्स आएंगे। और न्यूमरिकल्स पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब अगर आप 6-7 फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेते हैं तो आप आसानी से इस पूरे यूनिट का न्यूमरिकल्स या क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी देखा गया कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान होते हैं। मतलब अगर आप इसके पूरे थ्योरेटिकल सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा तो आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग SFD BMD यूनिट खत्म कर चुके हैं, फिर भी आप क्या करेंगे, कुछ पेज छोड़ देंगे जिसमें आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स और एक्स्ट्रा करवा देंगे, जिससे कि आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा SFD BMD का। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि थिन सिलेंडर क्या होता है। तो आपको पता है कि किसी भी हाई प्रेशर के फ्लूड को स्टोर करने के लिए हमको किसी न किसी कंटेनर का जरूरत पड़ता है, और वो कंटेनर अच्छी क्वालिटी ऑफ मटेरियल का होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस कंटेनर को हम बना रहे हैं, उस कंटेनर का जो मेटल का सीट है उसका थिकनेस भी एक सूटेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई प्रेशर के फ्लूड को आप स्टोर कर रहे हैं और अच्छे मटेरियल, और साथ ही साथ उस मटेरियल का थिकनेस अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हाई प्रेशर के कारण वो सिलेंडर आपका ब्लास्ट कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मटेरियल और साथ ही साथ थिकनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं किसी भी कंटेनर को बनाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर हम थिन सिलेंडर किसको कहेंगे। तो याद रखना है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल का सीट है, मतलब मेटल का एक चदरा है, तो ये मेरे पास मेटल का सीट है और ये इस मेटल सीट का थिकनेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग करके इसको सिलेंडर के रूप में कन्वर्ट कर दिए, ये सिलेंडर हो गया। तो ये सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है, याद रखना, आउटर डायमीटर के बारे में बात नहीं कर रहे, इंटरनल डायमीटर, क्योंकि इसी के अंदर फ्लूड आपका स्टोर होगा। तो कहता है कि ऐसा कोई भी सिलेंडर जिसका मेटल का जो थिकनेस है उसके इंटरनल डायमीटर का 20वां भाग से कम होगा, तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग थिन सिलेंडर कहेंगे। किसी किसी बुक में इसका जो थिकनेस होता है वह 15वां भाग भी हो सकता है और 10वां भाग भी हो सकता है, मतलब इंटरनल डायमीटर का 1/5 हो सकता है, मतलब 15 भाग हो सकता है, नहीं तो 10वां भाग भी हो सकता है। पर हम लोग इंटरनल डायमीटर का 20वां ही भाग को ज्यादा क्यों प्रीफर करते हैं, वो आज आपको इस पूरे लेक्चर में अच्छे से बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसके पहले डिफिनेशन पार्ट्स को देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर और स्फेरिकल वेसल आर नोन एज प्रेशर वेसल। मतलब कोई भी थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर या आपका स्फेरिकल सेल है या स्फेरिकल वेसल है, तो उसको हम लोग प्रेशर वेसल के नाम से जानते हैं। वेसल का मतलब सीधा भाषा में कंटेनर होता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी कंटेनर जो हाई प्रेशर ऑफ फ्लूड को स्टोर करके रखता है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर वेसल कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रेशर वेसल इज डिफाइंड एज अ क्लोज सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कंटेनर। क्या कह रहा है कि प्रेशर वेसल क्या है, तो एक तरह का कंटेनर है। किस शेप में हो सकता है, तो या तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, नहीं तो स्फेरिकल शेप में होगा। तो कह रहा है कि प्रेशर वेसल इज डिफाइंड एज द क्लोज्ड वेसल, मतलब क्लोज सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कंटेनर डिजाइन टू होल्ड और स्टोर फ्लूड एट अ हाई प्रेशर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एम्बिएंट प्रेशर। मतलब आपके घर में जो LPG का सिलेंडर है वो भी एक तरह का थिन सिलेंडर है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आपके यहाँ जो सिलेंडर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ पर जो सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर का, ये देखिए, अगर इस सिलेंडर को हम इस तरह से कट करेंगे तो ये सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है, ये वाला, ये इंटरनल डायमीटर है, DI इसको कह देते हैं, और ये सिलेंडर का अपना थिकनेस है, ये देखिए, ये वाला जो भाग है ये सिलेंडर का अपना थिकनेस है। तो कहता है कि अगर किसी भी सिलेंडर का जो थिकनेस है
वह डायमीटर का, इंटरनल डायमीटर का 20वां भाग से कम हो, तो ऐसा जो सिलेंडर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, थिन सिलेंडर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि प्रेशर वेसल इज डिफाइंड एज अ क्लोज सिलेंड्रिकल, ध्यान से सुनेंगे, प्रेशर वेसल इज डिफाइंड एज अ क्लोज सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कंटेनर डिजाइन टू होल्ड और स्टोर फ्लूड एट प्रेशर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एम्बियंट प्रेशर। जैसे यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि वातावरण का, आपके आसपास का जो प्रेशर होता है उसको एम्बियंट प्रेशर कहते हैं या एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो मान लीजिए आपके आसपास का जो प्रेशर है वह लगभग एक बार है, पर जब आप इस सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस भरा हुआ है वो नोटिस करेंगे कि इसका प्रेशर हो सकता है कि चार बार में हो। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है इसमें जो फ्लूड को हम लोग स्टोर करके रखे उसका प्रेशर क्या है, काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू एम्बिएंट प्रेशर, मतलब आसपास का जो प्रेशर है उससे कहीं ज्यादा है। अगर ये सिलेंडर उस प्रेशर को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा तो उसके कारण क्या हो सकता है, ब्रस्ट भी हो सकता है। तो हम लोग को ये चीज ध्यान देना है कि जो भी हम सिलेंडर बना रहे हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, एक तो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और दूसरा जो मटेरियल से हम लोग बना रहे हैं उस मटेरियल का थिकनेस कितना, क्योंकि हम लोग उसी को प्रोसेसिंग करके तो सिलेंडर बनाएंगे। तो यहां पर डिफिनेशन पार्ट में आप आइएगा एक बार फिर से। कह रहा है कि प्रेशर वेसल इज डिफाइंड एज अ क्लोज सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कंटेनर डिजाइन टू होल्ड और स्टोर फ्लूड एट अ प्रेशर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एम्बिएंट प्रेशर, लाइक स्टीम बॉयलर। आप देखे भी हैं स्टीम बॉयलर या पढ़े भी हैं स्टीम बॉयलर के बारे में कि स्टीम बॉयलर जैसे थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, स्टीम बॉयलर होता है, या बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी बॉयलर लगा हुआ रहता है। तो उसमें भी बॉयलर दो तरह का था, एक हाई प्रेशर बॉयलर था एक लो प्रेशर बॉयलर है। अगर लो प्रेशर बॉयलर सब रहता है तो वो पूरा का पूरा थिन सिलेंडर से ही बना हुआ रहता है, अगर हाई प्रेशर बॉयलर होगा तो वहां थिक सिलेंडर का यूज करेंगे। क्या होता है आगे आपको बताते हैं। तो आप कहां देखने को मिलेगा थिन सिलेंडर, तो जो आपका स्टीम बॉयलर होता है, जो वाटर टैंक होता है, जो ऑयल टैंक होता है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, फिर एयर कंप्रेसर जो होता है, वाटर पाइप जो होता है, प्रेशर कुकर जो होता है, स्टोरेज टैंक जो होता है, ये ऑल आर द थिन सिलेंडर। जैसे यहां पर आप फिगर में इसको समझने का कोशिश कीजिए, जैसे आपके पास यहां पर क्या है, एक बॉयलर है, ये देखिए यहां पर आपके पास ये एक बॉयलर है, ये पूरा का पूरा बॉयलर जो है ये आपका सिलेंड्रिकल इन शेप है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में है। आप जानते हैं कि यहां पर हम लोग वाटर को देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं और वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है और उसका भी प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अगर हाई प्रेशर उसके अंदर डेवलप हो रहा है और मटेरियल उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका थिकनेस बहुत कम है, तो हो सकता है वो सिलेंडर ब्रस्ट कर जाए। तो यही सब चीज ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं, थिन और थिक सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टीम बॉयलर हो गया, ये आपका बॉयलर हो गया स्टीम बॉयलर। आप अगर रिफाइनरी सब में चले जाएंगे जहां पर तेल का रिफाइनरीज किया जाता है या जहां पर तेल को स्टोरेज किया जाता है, चाहे आप अगर एयरपोर्ट में देखेंगे तो वहां भी बहुत बड़ा एक टैंक बना हुआ रहता है जहां पर एरोप्लेन में फ्यूल भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को स्टोर करके रखते हैं। तो जो भी स्टोरेज टैंक है, चाहे आप रिफाइनरी में चल जाइए या आप कहीं भी चले जाइए जहां पर हम लोग तेल को स्टोर करके रखते हैं, तो वहां भी आप नोटिस करेंगे जो आपका सेफ होगा वो पूरा का पूरा शेप जो है वो सिलेंड्रिकल इन शेप है। ये देखिए सिलेंड्रिकल लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरे सरफेस पर जो प्रेशर रहता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहां भी देख रहे हैं स्टोरेज टैंक है आपका, यहां पर दो बड़ा बड़ा टैंक दिया हुआ है, ये भी सिलेंड्रिकल इन शेप है, सही है। फिर आप देखिए आपके पास एलपीजी सिलेंडर जो है इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि हाई प्रेशर का जो है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस इसके अंदर हम लोग डाले हुए रहते हैं। फिर अगर एयर कंप्रेसर आप देखेंगे, जैसे आप देखे होंगे या इसके बारे में पढ़े भी होंगे कि ये जो एयर कंप्रेसर है, तो ये भी देखिए पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल इन शेप है। इसका मतलब इसमें जो कंप्रेस्ड एयर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं,
क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर के एयर को खींचे और फिर उसको दबा के क्या किया, हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर दिए। तो ये क्या कर रहा है, पूरे वाल के सरफेस पर प्रेशर लगा रहा है। ये ध्यान दीजिए, पूरे वाल पर ये प्रेशर लगा रहा है। ये देखिए, अगर इसका थिकनेस सुटेबल नहीं होगा तो वहां से क्या हो सकता है, सिलेंडर आपका ब्रस्ट भी कर सकता है। तो ये एयर कंप्रेसर में भी थिन सिलेंडर का यूज करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारा रेलवे में जो तेल को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे रिफाइनरी के लिए ले जाया जाए या रिफाइनरी से किसी जगह ले जाया जाए, तो उसके लिए भी बड़ा बड़ा हम लोग क्या करते हैं, टैंकर का यूज करते हैं, रेलवे हो या ट्रक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो वहां भी आप नोटिस करेंगे कि आपका जो सिलेंडर है, ये देखिए इस तरह से पूरा का पूरा ये सिलेंड्रिकल इन शेप है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल इन शेप है। तो यही चीज यहां पर एग्जांपल क्या बोल रहा है कि आपको थिन सिलेंडर देखने को कहां मिल जाएगा, तो थिन सिलेंडर या तो स्टीम बॉयलर हो सकता है, नहीं तो बड़ा बड़ा जो वाटर टैंकर लेके जाता है, वाटर टैंकर भी थिन सिलेंडर का बना हो सकता है, क्योंकि अंदर में क्या होता है, वाटर का भी प्रेशर होता है। अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो काफी प्रेशर उस पर लगता है, और अगर प्रेशर को रेसिस्ट नहीं करेगा तो वो फिर ब्रस्ट कर सकता है। तो स्टीम बॉयलर, वाटर टैंक, ऑयल टैंक, ऑयल को ले जाने के लिए जो टैंक है दैट इज कॉल्ड ऑयल टैंक, एलपीजी सिलेंडर, एयर कंप्रेसर, वाटर पाइप, प्रेशर कुकर। आप नोटिस करेंगे आपके घर में जो प्रेशर कुकर है वो भी एक तरह का सिलेंडर है, क्योंकि आप उसमें जो खाना पका रहे हैं वो हाई प्रेशर पर पकाते हैं, और आप नोटिस करेंगे कि अगर वो प्रेशर रेसिस्ट करने का क्षमता नहीं रहेगा तो वो भी आपका ब्रास्ट कर सकता है। ठीक है, तो ब्रस्टिंग वहां भी चांसेस है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रेशर वेसल आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। जो प्रेशर वेसल है वो किसका बना हुआ हो सकता है, तो या तो वो कास्ट आयरन का बना हुआ हो सकता है या तो सीट स्टील का बना हुआ सकता है। मतलब स्टील का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, मतलब कार्बन का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग हो सकता है। तो सीट का मतलब होता है चदरा, और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको अलग अलग प्रोसेसिंग करके सिलेंडर का रूप दिया जाता है, और नॉन फेरस एलॉयज का भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है, जैसे और कहां इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि इसरो का बहुत सारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, या कोई भी देश का अगर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो वहां भी वो पूरा का पूरा सैटेलाइट जो रॉकेट होता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, क्योंकि उसमें जो आपका फ्यूल जलता है वो हाई प्रेशर का जलता है। और सोचिए अगर हाई प्रेशर का जल रहा है तो उसमें रेसिस्ट करने का क्षमता नहीं होगा, तो वो फिर वहां पर ब्रस्ट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है। अब मेन जो पॉइंट हम लोग को क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए सिलेंडर, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि ए सिलेंडर हूज थिकनेस इज लेस देन 1/20 टाइम द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज थिन सिलेंडर। क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का ये हाफ पोर्शन हम लोग ले लेते हैं, ये देखिए सिलेंडर का एक हाफ पोर्शन हम लोग ले लिए, तो ये मटेरियल है, क्योंकि हम क्या किए, ये देखिए इस तरह से आपके पास एक मेटल का सीट था, एक चदरा था, और इसको हम लोग प्रोसेसिंग करके इस तरह से कन्वर्ट कर दिए, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये मटेरियल पूरा है इसमें, ठीक है, हो सकता है यहां पर वेल्डिंग करके हम लोग इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप दे दिए, तो ये अंदर वाला जो भाग है ना, ये इसका इंटरनल डायमीटर है, ये वाला भाग इंटरनल डायमीटर DI, और ये वाला जो पोर्शन है ना, यही इसका थिकनेस है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई भी सिलेंडर जिसका थिकनेस उसके इंटरनल डायमीटर का 20वां भाग से कम हो, ऐसे सिलेंडर को थिन सिलेंडर कहेंगे। अगर गलती से ये थिकनेस 20वां भाग से, इंटरनल डायमीटर का 20वां भाग से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग कौन सा सिलेंडर कहेंगे, थिक सिलेंडर कहेंगे। बात समझ में आ रहा, वैसे को क्या कहेंगे, थिक सिलेंडर कहेंगे। क्लियर है, किसी किसी बुक में दिया रहता है थिकनेस इज लेस देन डायमीटर, इंटरनल डायमीटर का 20वां भाग, या इंटरनल डायमीटर का 10वां भाग, या इंटरनल डायमीटर का 15वां भाग, ये भी दिया रहता है। तो याद रखना है, जैसे अगर आपको एग्जांपल से समझाए, मान लीजिए हमको एलपीजी सिलेंडर बनाना है, तो अपने इंडिया का ही अगर एग्जांपल दे, तो करोड़ों यहां का जनसंख्या है,
तो सिलेंडर उसके लिए हमको बनाना है, क्योंकि हर घर में क्या करना है, सिलेंडर पहुंचाना है। हालांकि अभी गैस पाइपलाइन भी बिछ रहा है, पर अगर सोच लीजिए कि हमको सिलेंडर ही पहुंचाना रहता है, तो जो कंपनी सिलेंडर बनाती है वो ये सोचेगी कि हम क्या करेंगे, सिलेंडर जो बनाए उसमें जो मेटल का थिकनेस ले, कम से कम हम कितना ले, जिससे कि उस फ्लूड के प्रेशर को भी रेसिस्ट कर ले और आराम से हम क्या करें उसको ट्रांसपोर्ट भी करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप थिकनेस ज्यादा लेते जाएंगे तो एक चीज तो क्लियर है कि वो हाई प्रेशर के फ्लूड को रेसिस्ट कर जाएगा, पर अगर ज्यादा हम थिकनेस लेंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, और अगर वेट बढ़ जाएगा तो उसको हैंडलिंग करने में कठिनाई आ सकता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन अगर हम उसको करवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा आएगा। तो बोला जाता है कि कम से कम हम कितना ले जिससे कि वो मेरा सिलेंडर सेफ रहे। तो आप नोटिस करेंगे अगर 10 भाग से भागा देंगे तो थिकनेस थोड़ा ज्यादा होगा, 15 भाग से भागा देंगे तो थिकनेस थोड़ा सा कम होगा, पर अगर 20 भाग से भागा देंगे तो और थिकनेस कम होगा। तो हम लास्ट वो कितना थिकनेस लेते हैं जिससे कि मेरा सिलेंडर बन सकता है। तो कहता है कि अगर किसी सिलेंडर का थिकनेस डायमीटर के इंटरनल डायमीटर का 20वां भाग से कम हो, जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है उसका इंटरनल डायमीटर 80 mm है, ये देखिए, तो हम किसको थिन सिलेंडर कहेंगे। तो कह रहा है कि अगर थिकनेस डायमीटर का 20वां भाग से कम हो, तो 20वां भाग का मतलब हो गया कि 80 है, 20 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 4 mm। इसका मतलब कि जो थिकनेस होना चाहिए वह लगभग 4 mm 3 mm के आसपास होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। पर अगर सेफ कंडीशन ले तो देखिए, अगर 80 mm का इंटरनल डायमीटर है, 10 भाग से भागा दिए तो ये 8 mm है। इसका मतलब है कि अगर थिकनेस थोड़ा हम ज्यादा लेंगे तो ये तो कंफर्म है कि वो सेफ रहेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कम से कम हम कितना ले सकते हैं, तो डायमीटर का 20वां भाग ले सकते हैं। तो आप डिफिनेशन में भी यही लिखेंगे कि अगर कोई सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो थिकनेस है वह उसके इंटरनल डायमीटर का 20वां भाग से कम है तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग थिन कहेंगे, पर अगर उसका थिकनेस 20वां भाग से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थिक सिलेंडर कहेंगे। सर थिक सिलेंडर कहां देखने को मिलेगा, तो वहां भी एग्जांपल याद रखना है, स्टीम बॉयलर, कोई भी स्टीम बॉयलर जो हाई प्रेशर बनाता हो वहां आपका थिक सिलेंडर होगा। बहुत सारे रिफाइनरी में आपका जो सिलेंडर रहता है वो थिक सिलेंडर रहता है। इवन जो बंदूक का नली होता है जिसको बैरल कहते हैं, गन का बैरल, वो भी क्या होता है, थिक सिलेंडर होता है। जो बड़ा बड़ा आर्मी का टैंक होता है उसका जो तोप होता है, उसका जो बैरल होता है जहां से गोला बारूद छोड़ा जाता है, तो वो भी सिलेंडर आपका क्या होता है, थिक सिलेंडर होता है। ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। बस यहां पर आप याद रखेंगे जो मेन पॉइंट है कि थिकनेस जो है अगर डायमीटर का 20वां भाग से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग थिक सिलेंडर कहेंगे। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर, इस फ्लूइड प्रेशर के कारण, मतलब आप किसी सिलेंडर के अंदर क्या करेंगे, फ्लूड, जैसे यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि मान लीजिए आपके पास एक यहां पर सिलेंडर, और ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेंडर आपका क्लोज्ड होना चाहिए और इसमें आप फ्लूड को देखिए स्टोर करके आप रखें, ये देखिए फ्लूड को आप स्टोर करके रखें। तो कह रहा है यहां पर कि ड्यू टू द फ्लूड प्रेशर, इस फ्लूड प्रेशर के कारण 3 stresses आर डेवलप इन द सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर के अंदर 3 तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है। मतलब अगर कोई सिलेंडर है क्लोज है और उसमें फ्लूड को रखे हाई प्रेशर का, तो उस प्रेशर के कारण उस सिलेंडर के मटेरियल पर 3 तरह का स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। एक को हुप स्ट्रेस कहते हैं, हुप स्ट्रेस का दूसरा नाम सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस है और इसको सिग्मा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं जिसको सिग्मा एल कहते हैं, और तीसरा रेडियल स्ट्रेस होता है जिसको हम लोग सिग्मा आर कहते हैं, और ये मैग्नीट्यूड में बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं प्रैक्टिकल पर्पस पर। याद रखना है थिन सिलेंडर के अंदर 3 तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है, एक हुप स्ट्रेस, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और तीसरा रेडियल स्ट्रेस।
पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में रेडियल स्ट्रेस का मान बहुत कम होता है और उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि थिन सिलेंडर में कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, तो आप बताइएगा कि 3 होता है, पर एक स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं रेडियल स्ट्रेस को, और 2 स्ट्रेस ज्यादा रहता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। इसको फिगर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप नोटिस कर लिया, आपको फिगर बता दिए थे कि कहां कहां हमको थिन सिलेंडर देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। तो आप पहले यहां पर ध्यान दे दीजिएगा कि ये सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है, ये देखिए ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, ये सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है जिसको DI कहें, और ये इसका थिकनेस है, ये देखिए ये इसका थिकनेस है। जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप अपना कॉपी को उठाइए और कॉपी का ये थिकनेस है और इसको फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से मोड़ दीजिए। जैसे आप मोड़ेंगे तो ये एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कर देगा। यहां से आप इसको क्या करेंगे, इसको भी फिक्स कर दीजिए, मतलब इसको क्लोज कर दीजिए, यहां मेटल डाल के वेल्डिंग कर दीजिए, यहां भी मेटल का एक शीट डाल के वेल्डिंग कर दीजिए, तो ये एक सिलेंडर बन गया। अब इसमें आप हाई प्रेशर का फ्लूड को स्टोर कर लीजिए। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, बस ये जो थिकनेस है इसके इंटरनल डायमीटर का 20वां भाग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में यहां से एक मटेरियल को हम काट के बाहर निकाल दिए, ये देखिए बाहर निकाल दिए। मतलब आप क्या करेंगे, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में, जैसे ये सिलेंडर आपका बना हुआ है, तो आप यहां से एक मटेरियल को कट करके बाहर निकाल दीजिए। तो जब मटेरियल को आप कट करके बाहर निकालेंगे तो यहां पर ये जो फ्लूड है, ये फ्लूड का प्रेशर इधर भी लग रहा होगा, ये देखिए इस तरह से ये फ्लूड का प्रेशर फोर्स है, इधर भी लग रहा होगा, इस दिशा में भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, ये देखिए इधर भी लग रहा होगा, इस तरह से क्या होगा, फ्लूड का प्रेशर लग रहा होगा, ये फ्लूड का प्रेशर लग रहा है, करेक्ट है। तो हम यहां से एक मटेरियल को ले लिए, मटेरियल को बाहर निकाल दिए, तो इस फ्लूड के प्रेशर के कारण, चूंकि यहां पर ये फोर्स इधर लेंथ की तरफ लग रहा है, ये देखिए ये इसका लेंथ है, तो यहां का जो फ्लूड का प्रेशर फोर्स है ये लेंथ की तरफ लग रहा है, तो लेंथ की तरफ वो चाहता है कि स्ट्रक्चर को इस तरह से हम लोग यहां से ब्रस्ट करवा दे, इस तरह से ये फट जाए। तो इसका मतलब फ्लूड का जो प्रेशर है वो चाहता है कि सिलेंडर को इस तरह से हम तोड़ दे, पर इसका जो मटेरियल है वो लेंथ के तरफ एक स्ट्रेस लगाता है और ऐसे स्ट्रेस को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। तो आप अभी पढ़े थे कि थिन सिलेंडर के अंदर 3 तरह का स्ट्रेस होता है। एक अगर लेंथ के तरफ लगता है तो ऐसे स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो सिलेंडर है, ये देखिए इस तरह से फ्लूड का प्रेशर लग रहा है और ये चाहता है कि सिलेंडर को इस तरह से ब्रस्ट कर दे, ये देखिए इस तरह से। इसका मतलब है कि अगर सर्कमफेरेंस के तरफ फ्लूड का प्रेशर लगे और मटेरियल इस तरह से ब्रस्ट करना चाहता है, पर जो मटेरियल है सिलेंडर का, जो मटेरियल है वो अपने आप को ब्रस्टिंग से रोकना चाहता है, तो सर्कमफेरेंस के तरफ जो स्ट्रेस लगता है इसी स्ट्रेस को हम लोग हुप स्ट्रेस कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो यहां पर आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये देखिए ये लेंथ के तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा, सर्कमफेरेंस के तरफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस लगा, और एक स्ट्रेस इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगा, और यही आपका क्या हो गया, रेडियल स्ट्रेस हो गया। इसका वैल्यू काफी कम होता है और इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो याद रखना है थिन सिलेंडर के अंदर 3 तरह का स्ट्रेस है, पर एक रेडियल स्ट्रेस को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। तो मेनली कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, 2। लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेस लगेगा उसको लॉन्गिट्यूडनल, और सर्कमफेरेंस के अलोंग जो स्ट्रेस लगेगा उसको हुप स्ट्रेस, नहीं तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हुप स्ट्रेस और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां से याद रखना है हुप स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है PD/2T। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला पर बनेगा। ये सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला है, और दूसरा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू PD/4T है।
ठीक है, जहां पर पी क्या है तो ये फ्लूड का प्रेशर है जो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, फ्लूड प्रेशर, सही है। और डी क्या है तो इंटरनल डायमीटर, डी क्या है तो इंटरनल डाया है, इंटरनल डाया है। और टी क्या है तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर, टी क्या है थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पता करेंगे कि हुप स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है, मतलब ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने रहने देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डेरिवेशन पढ़ेंगे, तब तक आप लोग क्या करिए मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।